हरियाणा में ऑटो अपील सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है, जिसके चलते अब हरियाणा में तय समय में अधिकारियों को लोगों के शिकायतों पर कार्रवाई करनी होगी। सर्विस कमीशन की तरफ से इस आस पोर्टल को लॉन्च किया गया है और इस पोर्टल की खास बात ये होगी कि जब किसी शिकायत को लेकर के या फिर कोई फाइल को लेकर के जो प्रक्रिया चल रही होगी तो उस प्रक्रिया के तहत जो पोर्टल है उस पोर्टल में यदि उसको निर्धारित समय के अंदर उस फाइल को अगर पूरा नहीं किया जाता है, उस काम को अगर पूरा नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो है उसका एक प्रोसेस आस पोर्टल के थ्रू शुरू हो जाएगा। हरियाणा में कर्मचारियों की लापरवाही ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब सभी कर्मचारियों पर ऑटो अपील सॉफ्टवेयर हर समय नजर रखेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑटो अपील सॉफ्टवेयर की लॉन्चिंग कर खुद जानकारी दी है। इसका एक ऑटो अपील सिस्टम बनाया जाए कि जिस दिन तक सेवा देनी है मिल जाए, ठीक नहीं मिले पेंडिंग रहेगी तो ऑटोमेटिकली उस दिन खत्म होते ही वो अपील नेक्स्ट फर्स्ट अपील अधिकारी को चली जाए और जो नेक्स्ट अपील है उन्होंने 30 दिन तक सुनवाई करके उसके ऊपर निर्णय करना होता है कि ये नहीं है तो उसके खिलाफ कोई मानो कार्रवाई करनी है या सेकंड अपील में भेजना है या उसको रिजेक्ट करना है। ये भी हो सकता है कि वो अपील ऐसी हो कि जिसके अंदर कोई दम नहीं, उसको रिजेक्ट भी वो कर सकते हैं। तो ऐसा ऑटो अपील का सिस्टम बनाया गया है, ऑटो अपील सॉफ्टवेयर, इसलिए इसको आस कहा है। हमने ये कहा कि जनता की आस तो है लेकिन वो चाहते ही है कि ये अमल में भी आए, असल में भी आए। इस सॉफ्टवेयर से क्या कुछ फायदे होंगे आइए जानते हैं। लापरवाह कर्मचारियों पर नकेल कसेगी, ऑटो अपील सॉफ्टवेयर कर्मचारियों पर नजर रखेगा। कर्मचारियों को तय समय पर काम निपटाना होगा। काम नहीं निपटाने वाले कर्मचारियों की पहचान करेगा ये सॉफ्टवेयर। काम पूरा नहीं करने पर बड़े अधिकारियों के पास आवेदन जाएगा। दोनों स्तरों पर काम नहीं होने पर कमीशन के पास जाएगा आवेदन। काम से संबंधित कर्मचारी और अधिकारी से मांगा जाएगा जवाब। 3 बार लापरवाही सामने आने पर कर्मचारी पर लगाया जाएगा जुर्माना। इसके बाद भी काम में सुधार नहीं होने पर नौकरी जा सकती है। सॉफ्टवेयर के जरिए क्लर्क से लेकर विभाग अध्यक्ष तक से जवाब मांगा जाएगा। अपील जो है वो सीनियर अधिकारी के पास जाने वाली है, उसके बाद उसमें री अपील का ऑप्शन भी होगा और तीसरा ऑप्शन जो है आयोग के पास, उस पूरे जो मामला है उसको आयोग के समक्ष जाने का है। ये तीनों ही प्रोसेस जो है ऑटोमेटिक तरीके से एक निर्धारित समय के जरिए आस पोर्टल के जरिए रहने वाले हैं। जाहिर तौर पर ऑटो अपील सॉफ्टवेयर से आम लोगों को काफी फायदा होने वाला है। हरियाणा सरकार का ये वाकई में सराहनीय कदम, क्योंकि अक्सर लोग समय पर काम पूरा नहीं होने से परेशान जो रहते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारी के खिलाफ, कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई हो सके और उसकी जवाबदेही तय हो सके, उसको लेकर के पूरा प्रोसेस जो है अपील, रीअपील और आयोग के पास शिकायत को लेकर के जो है वो बनाया गया है अलग अलग स्टेप्स।